जय हिंद जय भारत। एक रेलवे की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया और जिसमें कि 10,000-11,000 के करीब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है और ये है 10+2 और ग्रेजुएट लेवल की। तो विस्तार से इस बड़ी के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों उसको प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मोबाइल पर आपको मिलती रहेगी। तो ये जो नोटिस है इसको नोटिफिकेशन नहीं बताएंगे हम लोग, नोटिस बताएंगे, नोटिस बोलेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जो होता है उसमें पूरी डिटेल्स दी जाती है। तो फिलहाल ये नोटिस है रेलवे की तरफ से 24 जुलाई 2024 को। यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की ओर से ये जितने भी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल की, उनके संबंध में यहाँ पे बताया गया है। जो भी रेलवे की जोनल रेलवेज़ हैं, प्रोडक्शन यूनिट हैं, उनमें इन वैकेंसीज़ के द्वारा यहाँ पर फिलअप की जाती है। तो ये दो टाइप की वैकेंसी होती है, एक होती है ग्रेजुएट लेवल की और दूसरी होती है नॉन ग्रेजुएट लेवल की, यानी कि 10+2 की वैकेंसी। अभी यहाँ पे जो 10+2 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसीज है, जिसमें सबसे पहले वैकेंसीज अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 361 पोस्ट टोटल हैं, कॉम क्लर्क कॉम कम टिकट क्लर्क 1985 वैकेंसी, 1985 वैकेंसीज हैं, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की वैकेंसीज में 990 वैकेंसीज हैं और ट्रेंस क्लर्क के बारे में यहाँ पे बताया गया 68 वैकेंसीज है। टोटल 3,404 वैकेंसीज ये निकाली गई है जो कि 10+2 लेवल की है। अब यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे पहले है गुड्स ट्रेन मैनेजर की 2,684 वैकेंसी, 2,684 स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है 963, चीफ कम्युनिकेशन कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसीज है 1737, 1,737 वैकेंसीज, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1,371 वैकेंसीज 1,371 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 725, यानी कि टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है 7,479 वैकेंसीज है। और यदि दोनों को हम मिला के बात करें यहाँ पे तो 10,884 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर जो वैकेंसीज है जोनल वाइज यहाँ पे बताई गई है, आपको पता है कि रेलवे के अंदर बहुत सारे जोन हैं, सेंट्रल, ईस्टर्न, ईस्टर्न सेंट्रल, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ फ्रंट, नॉर्थन फ्रंट, उसके अलावा और भी साउथ जोन है, वेस्ट जोन है। तो टोटल जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे है उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप किसी भी जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी जोन में नौकरी करना होगा। अब यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं 10,884 वैकेंसीज है। तो जो भी रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे की तरफ से दिया जाता है 10% वैकेंसी यहाँ पे पूर्व सैनिकों के, लगभग 1,084 वैकेंसी यहाँ पे पूर्व सैनिकों के लिए, यानी 1,100 के करीब वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर रिजर्व करके रहेगी। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज होती है, एज रिलैक्सेशन क्या क्या होता है, एज का डिटेल्स, जो भी अंडर ग्रेजुएट वैकेंसीज होती हैं उसमें 18 से 30 साल का एज क्रिटेरिया है और जिसमें कि पूर्व सैनिकों को भी रिजर्वेशन और एज में छूट दी जाती है। दूसरी जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है उसमें जो एज होता है 18 से 33 साल के बीच में होता है। अब यहाँ पर पूर्व सैनिकों को अलग अलग टाइप की जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एक्सेसमैन अनरिजर्व के लिए जो है यहाँ पर बताया गया है कि जितनी भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल आपको और माइनस करना है और आपकी एज 30 के अंतर्गत आनी चाहिए। दूसरा एक्सेसमैन ओबीसी के लिए यहाँ पर 6 साल की छूट दी जाती है, ओबीसी एक्सेसमैन एससी एसटी के लिए यहाँ पर 8 साल की छूट आपको मिलने वाली है। अभी जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज हैं उसमें 18 से 33 साल है, तो यहाँ पे आप 3 साल और लगा सकते हैं, हर कैटेगरी में आप 3 साल और जोड़ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप एज का कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं और जो भी आपकी एज है, जो एज 18 से 33 साल बताया गया है जिसमें, या 18 से 30 साल बताया गया है, कैलकुलेट करने के बाद आपकी एज 30 साल या फिर 33 साल उससे कम होनी चाहिए, तभी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज CBT होता है, सेकंड CBT होता है, सेकंड स्टेज का टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब यहाँ पर जो सर्विंग पर्सनस हैं जो कि आर्मर फोर्सेज में अभी नौकरी कर रहे हैं और एक्सेसमेंट कोटे के अंतर्गत इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बशर्त है कि आपका जो रिटायरमेंट डेट है सितंबर 2025 या फिर सितंबर 2025 मान के चलिए कि जो भी तब तक रिटायर आ रहे हैं वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये एक नोटिस है, लेकिन जब भी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा उसके माध्यम से मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो रूल है एक साल के अंतर्गत, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो भी सितंबर 2025 तक रिटायर आ रहे हैं वो एक्सेसमेंट कोटे के अंतर्गत इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो वैकेंसीज दो टाइप की है, 12th पास और ग्रेजुएट लेवल की, तो इनके लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप 12th पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 10th पास हैं पूर्व सैनिक और जिनके पास डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, 15 साल जिन्होंने सर्विस की है कम से कम, तो वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं। अभी जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रखी गई है जनरल EWS और OBC के लिए 500 रुपये, लेकिन पूर्व सैनिक या SC ST जो भी कैंडिडेट हैं, कुछ फीमेल हैं, माइनॉरिटी EBC वगैरह या ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए मात्र 250 रुपये यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। अब इन वैकेंसीज़ के लिए जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क के, उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के होंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 और नंबर ऑफ मार्क होंगे 100, और एक घंटा यहाँ पर 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, और इसमें 1/3 की जो है निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। CBT 2 होगा, उसमें भी इसी तरह आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, उसके अलावा रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करो तो 120 होंगे और 120 मार्क होगा, एक घंटा 30 मिनट का यहाँ पर टाइम आपको देखने को मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी 1/3। अब यहाँ पे सैलरी किस तरह से दी जाती है उसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक सिर्फ बेसिक है, बाकी इसमें अन्य अलाउंसेस और जुड़ते हैं। स्टार्टिंग जूनियर कलर का कम टाइपिस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 19,900 रुपये, सभी के लिए यहाँ पे लगभग 19,900 रुपये है। कॉमर्शियल कम टिकट कलर की 21,700 रुपये सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल की जो सैलरी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें कि ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रिशिएट, सब के लिए जो यहाँ पर है सैलरी उसका दिया गया है कि लगभग यहाँ पर 25,500 रुपये, 29,200 रुपये और 35,400 रुपये तक भी यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होता है ना, ये टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट जो होता है, जिसमें कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होती है और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होती है, जो कि इस नोटिफिकेशन में, पुराने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अभी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन कब आएगा, उम्मीद है कि इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है सितंबर से लेके अक्टूबर तक या सितंबर में ही शायद इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो दोस्तों लेटेस्ट रेलवे की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई है उसके संबंध में, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। जब भी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा हम अपने चैनल के माध्यम